दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी, उनकी जो पोस्ट डिटेल्स हैं कैटेगरी वाइज, वो अपलोड कर दी गई है इस नोटिफिकेशन में। अभी जो अपलोड हो चुका है, वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। साथ में आपको इस नोटिफिकेशन में ये भी देखने को मिलेगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मतलब जिनका भी बीए चल रहा है या बीकॉम या फिर जो बीटेक कर रहे हैं, अगर आपका सेमेस्टर ड्यू है और आपका अगर रिज़ल्ट 31 मार्च से पहले नहीं आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप फिर भी अप्लाई कर देते हैं, तो आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपकी डेट चेक करेंगे और आपको उस टाइम पर बाहर होना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप, अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है, तो ही आप अप्लाई करें। साथ में इसमें 12th लेवल की भी वैकेंसी दी हुई है, वो भी इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो स्टूडेंट जिनका भी आरपीएफ एसआई में नहीं हुआ, जिनके 98, 95 या 97 के समथिंग मार्क्स थे, उसके बाद भी उनका नहीं हुआ, और कुछ एक स्टूडेंट मिले थे उनके 87 पे भी हो गया, तो वो कुछ किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो उससे पहले अपन इस पर बात कर लेते हैं, जो नोटिफिकेशन आया है उसकी कुछ मेन मेन जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। बाकी आप ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट से या फिर इस वीडियो के लिंक में, मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करके और इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लें। कल से अप्लाई हो रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो डिलाई हो चुका है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म अप्लाई की जो डेट थी वो 28 फरवरी थी, लेकिन कल से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 31 मार्च है, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे जो साइड है वो बहुत बिजी चलने लग जाती है, 4-5 दिन पहले ही आप अप्लाई करते हैं इसके लिए, ठीक है। और जो आपका चालान है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, नेट डेबिट कार्ड, या फिर आप एसबीआई से चालान बना सकते हो या फिर पोस्ट ऑफिस से चालान बना सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 तारीख दी हुई है, 5 अप्रैल, और जो फाइनल सबमिशन की अप्लीकेशन डेट है वो 12 अप्रैल दे रखी है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी जो डेट जो फॉरम से रिलेटेड है। उसके बाद में जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा फर्स्ट स्टेज का, वो आपका होगा जून से लेके और सितंबर तक, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2-3 महीने चलेगा इसका एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी लंबी वैकेंसी होती है। ये 2016 में हुई थी, उस टाइम पे भी इसका 1 या 1.5 महीने एग्ज़ाम चला था, ठीक है। और इसकी एक फ़िक्र छोड़ देना, क्योंकि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि जो 2016 में हुआ था तो उसमें भी काफ़ी अच्छा नॉर्मलाइजेशन हुआ था, यानी जो हार्डशिप थी उनके काफ़ी नंबर आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जो अभी आरपीएफ एसआई में जो हुआ है, अगर उसी तरीके से स्कैम हुआ, तो ये वैकेंसी भी आपके हाथ से जा सकती है, क्योंकि जो ऑनलाइन पहली एग्ज़ाम थी ये रेलवे की, जो 2016 में स्टार्ट की गई थी, उस टाइम पे ये जो वैकेंसी हुई थी, इसकी जो फाइनल सीबीटी का रिज़ल्ट आया था, आप भी देख सकते हो, नेट पर उसके डाटा भी उपलब्ध हैं। तो उसका जो सीबीटी का रिज़ल्ट आप देखोगे, तो उसमें जो फाइनल लिस्ट थी, यानी स्टेशन मास्टर हुआ या टीएससीए की जो पोस्ट मिली थी, वो 70 से लेके 75 ऑल जोन में इतनी रही थी, या 76 मान लो, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह से रहा जो आरपीएफ एसआई में हुआ है, तो फिर इसमें भी वही कट ऑफ जाएगी जो आरपीएफ एसआई में गई है। तो उसके बारे में अपन वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, सॉरी, इसमें जो 12th लेवल की वैकेंसी है उसकी सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो देखने लायक चीज़ है वो सबसे पहले ये है कि आपकी जो एज है 18 से 30 ईयर तक होनी चाहिए, और आपकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जुलाई 2019 से, ठीक है। और जो वैकेंसी है 12th लेवल की, वो सारी टाइपिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, ठीक है, अकाउंटेंट क्लर्क, जूनियर टाइमकीपर, ट्रेंस क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। ये 5 वैकेंसी 12th लेवल की है, जिनकी टोटल वैकेंसी 10,628 है। ये हो गई 12th लेवल की। तो जिनका 12th हो चुका है या फिर जिनका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो वो इन जो 5 वैकेंसी है इनके लिए अप्लाई कर दे और अपनी जो टाइपिंग है वो भी स्टार्ट कर दे। ज़्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं मांगते, लेकिन फिर भी 30 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, ठीक है।
तो ये हो गई 12th की। इसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लेते हैं अपन। ग्रेजुएशन लेवल में जो आपकी एज, इसमें भी सेम ही मांग रहे हैं, यानी 1 जुलाई 2019 से मांग रहे हैं। इसमें 18 से 33 दी हुई है, ठीक है। और इसमें जो रिजल्ट की डेट है वो भी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। उससे पहले जो वैकेंसी डिटेल्स है वो बता देता हूँ। TA की है, तो इसमें TA की 88 पोस्ट है टोटल। और गुड्स गार्ड की, इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है गुड्स गार्ड की, ठीक है। तो 5748 पोस्ट गुड्स गार्ड की हैं। इनमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी आप देख लो, ठीक है। तो RPFSI में ये मेडिकल स्टैंडर्ड का जो क्लेरिफिकेशन था वो अच्छे से नहीं दे रखा था, लेकिन इसमें अच्छे तरीके से नीचे समझा रखा है कि किस स्टैंडर्ड में क्या अलाउ है क्या नहीं है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और साथ में आप ये जो पे स्केल है वो भी आप देख लो, सॉरी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो दे रखी है इसमें। तो ये जो दो वैकेंसी हैं इनमें आपका एको टेस्ट होगा, ठीक है। साइको जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर है, इनका जो मेडिकल टेस्ट है वो A2 लेवल का होता है, ठीक है। और इनमें साइको का टेस्ट भी होता है CBT 2 होने के बाद, तो ये भी आप ध्यान रखें। और ये बाकी जो पोस्ट बच रही हैं ये सारी ग्रेजुएशन लेवल की है। अगर आपका रिजल्ट अभी बचा हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई ना करें। आपका क्लियर रिजल्ट आपने कर लिया और आपके पास मार्कशीट आ गई तो ही अप्लाई करें, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकलोगे, उससे अच्छा है आप किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी करें, या फिर जो ऊपर 5 पोस्ट दे रखी है उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पोस्ट की बात। उसके बाद में ये जो साफ साफ लिख रखा है ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, उससे पहले कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। अगर आप 12th के लिए अप्लाई करते हो तो 12th का फाइनल रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हो तो ग्रेजुएशन का भी फाइनल ईयर का रिजल्ट 31 मार्च से पहले आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ इस एप्लीकेशन में दे रखी है ये मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी नीचे दे रखा है। उसके बाद में स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, यह ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 2 स्टेज होंगे इसके, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद में ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता रखा है, ठीक है, कि हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से। और एक ये चीज़ दे रखी है कि शॉर्ट लिस्टिंग वेरियस स्टेज के लिए, जो CBT 1 होगा, ठीक है, तो CBT 2 के लिए 20 टाइम्स जो स्टूडेंट होंगे उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो CBT 2 होगा उसमें 8 टाइम्स के लिए क्लियर करेंगे, ठीक है, यानी एक पोस्ट के लिए 8 बंदों को क्लियर करेंगे। क्योंकि जो इन्होंने कह रखा है कि जो वैकेंसी दी हुई है उनसे भी ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना है, इसलिए 8 टाइम्स क्लियर करते हैं ये। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 1/3, ये चीज़ आप ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग का। उसके बाद में ये मैंने आपको बता ही दिया है क्लोजिंग डेट। और एक चीज़ और, जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप इसका जो फॉर्म है उससे, अब इसका फॉर्म मतलब 31 मार्च से पहले ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, SC ST OBC जो भी हो, क्योंकि इसमें जो फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्कैन होके अपलोड होगा। साथ में आपके जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे, वो भी अपलोड होते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप अभी बनवा लें। और एक चीज़ और, काफ़ी बंदे होते हैं जो फॉर्म अप्लाई करते समय कभी फादर में एक मीनिंग स्पेलिंग गलत कर देते हैं, खुद के नाम में एक स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो आप ऐसी बच्चों जैसी हरकत ना करें फॉर्म भरते टाइम। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एफिडेविट, मैं आपको बता तो देता हूँ कि हाँ एफिडेविट से काम चल जाता है, लेकिन वो उन पे डिपेंड करता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे जो 5 लोग बैठे होते हैं वो उनके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो ये चीज़ अलाउ करते हैं या आपको कुछ छूट देते हैं या नहीं देते हैं। अगर वो सरासर मना कर दें तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रूल इज रूल होता है।
तो ये चीज़ आप बिल्कुल गलती ना करें। फॉर्म अप्लाई करते टाइम एक बार यूवी में डाल के अपनी डिटेल्स चेक भी कर लें कि आपने जो फॉर्म में अपनी डिटेल्स, नाम और फादर नेम्स, मदर्स नेम्स जो भी आप डालते हैं वो एक बार ज़रूर चेक करके आप फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि बाद में आपको एक छोटी सी मिस्टेक के लिए बाहर कर दिया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इनकी काफ़ी ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ है वो मेडिकल स्टैंडर्ड है सबसे, क्योंकि RPFSI में ये क्लियर नहीं हुआ था, ये बाद में क्लियर हुआ है RTI से कि उसमें ग्लास अलाउ नहीं है बिल्कुल। क्योंकि RTI में जवाब आया था कि चाहे लेवल B का हो लेकिन जो फोर्स की वैकेंसी होती है उनमें किसी में भी ग्लास अलाउ नहीं है। तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो इन्होंने क्लियर कर रखा है, तो ठीक है। तो जिस पोस्ट में जिस हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप देख लें, अगर आपके कुछ मतलब कलर विजन कुछ प्रॉब्लम है तो फिर तो आप ये जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उन्हीं के लिए अप्लाई करें। और जिनकी आंखें थोड़ी वीक है बहुत ज़्यादा, तो वो तो स्टेशन मास्टर और जो TA की वैकेंसी थी उसके लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करें, क्योंकि उसमें साइको होता है और उसका जो मेडिकल होता है वो भी काफ़ी टफ लेवल का होता है, ठीक है। तो उसमें मेडिकल होता है वो A2 लेवल का होता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बाकी जो ये टाइपिंग वाली जो भी जितनी भी पोस्ट हैं उनमें काफ़ी हल्का होता है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनके भी कलर विजन की प्रॉब्लम है या फिर वीक है तो इसमें चल जाएगा आपका, क्योंकि इनमें लिख रखा है विथ और विदाउट ग्लासेज। तो ये हो गई मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। बाकी जो और चीज़ें देखनी है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, मतलब जो SC ST के हैं वो 1984 से पहले की उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, 2-7, ठीक है। और ये जनरल कैटेगरी की दे रखी है, ये OBC की दे रखी है, यानी छूट देने के बाद दे रखी है, ठीक है। और आप अगर एज में भी छूट चाहते हो SC ST और OBC की, तो उसके लिए आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी बना लेना है। और एक चीज़ और, इस वाली जो वैकेंसी में तो वो जो 10% आरक्षण मिला है, ठीक है, वो भी इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। तो उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा काफ़ी लड़कों को, लेकिन उससे पहले उसमें दे रखा है कि आपको जो 10% के लिए जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो कहाँ से बनवाना है। तो वो सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा लें, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम तो आप उसका प्रॉफिट नहीं ले सकते, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। तो वो कहाँ से बनवाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें दे रखा है ये आपकी जो फीस डिटेल्स, ये बाकी सब कुछ आप देख लेना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो 10% के लिए आपको बनवाना है वो ये NOC, ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए हो गई। हाँ एक चीज़ और, ये चीज़ भी देख लें, जो CBT एग्ज़ाम होगा फर्स्ट, उसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 90 मिनट ड्यूरेशन होगी, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के 30, ऐसे मिला के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे CBT फर्स्ट में, ठीक है। ये CBT फर्स्ट में होगा, और CBT फर्स्ट है उसके नंबर आपके फाइनल जो मेरिट होंगे उसमें काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर टेस्ट होगा, इसमें लिख रखा है। जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो CBT 2 से बनेगी, और CBT 2 का जो लेवल होगा वो सेम RPFSI का पेपर हुआ है सेम उसी लेवल का होगा, ठीक है। तो CBT 2 का भी इसमें दे रखा है, ठीक है, 90 मिनट का होगा और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 35 मैथमेटिक्स और 35 रीजनिंग के, ठीक है, ऐसे 120 क्वेश्चन होंगे। तो ये 120 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसी से आपकी मेरिट बनेगी। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अगर इसमें स्कैम नहीं होता है तो काफ़ी बंदों की इसमें जॉब लग सकती है। अगर इसी तरह से रहा जो RPFSI में हुआ है तो फिर आप बहुत टफ होगा इसमें भी। एक ये चीज़ भी देख ले, आपके मिनिमम मार्क्स भी दे रखे हैं,
ठीक है, जनरल कैटेगरी 40% होने चाहिए, और जो 10% आरक्षण मिला है उनके लिए भी 40% दे रखा है, बाकी SC ST के लिए 30% दे रखा है। ये मिनिमम मार्क्स होते हैं, लेकिन कभी भी इतनी कम तो कट ऑफ जाती नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे दिखाने दिखावा ही समझ लो इसको, तो जैसे RPF SI की कट ऑफ गई है उस तरह से। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो ये कल टाइपिंग वाली पोस्ट आ गई, जैसे जूनियर क्लर्क में भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, अकाउंट में भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जूनियर टाइम कीपर में भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपके जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है सब में वो बता रखा है, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला होता है जो सब अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो हार्ड शिफ्ट होती है, मतलब कितने बंदों ने कितने क्वेश्चन अप्लाई किए हैं, उसी तरह से ये, बाकी आप ये चीज़ें देख लेना। अब अपन बात करते हैं जो RPF SI का, जो अभी काफ़ी स्टूडेंट अभी भी नर्वस, मतलब अभी वो सपनों में ही होंगे कि अपना कैसे नहीं हुआ, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी आप लोग गालियाँ यूट्यूबर्स को मतलब निकाल रहे हो, तो इससे आपका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जो यूट्यूब पे जो कट ऑफ दिखाई जाती है वो आप जैसे स्टूडेंट जब आपने मार्क्स कमेंट करते हैं, तो कमेंट आने के बाद जो निकाल के जो कट ऑफ दिखाई जाती है वो यूट्यूब पे दिखाई जाती है, ठीक है। तो लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जो जिनके भी मतलब 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो अभी तक कहाँ थे, मतलब उनको अपनी आंसर की देखने के बाद क्या ये भी नहीं पता था कि अपने नंबर 100 से ऊपर आ रहे हैं। आप जब यूट्यूब, मेरा ही चैनल नहीं, बहुत बड़े बड़े चैनल जो भी हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, जिन पे भी कट ऑफ डाल रखी है, तो वो कट ऑफ किसी में भी इतनी नहीं डाल रखी कि 85+ या फिर 90-97 वालों का भी नहीं हो रहा, या फिर उनके कमेंट बॉक्स में जाके आप देखोगे तो आपको ऐसे बंदे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे कि जो ऐसे कह रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स 100+ आ रहे हैं, लेकिन जो हकीकत इस टाइम पे हो रही है तो उन बंदों के नंबर 105 से लेके 115 के बीच मार्क्स आ रहे हैं। तो इन बंदों के इतने मार्क्स आए कहाँ से, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो तो सेम था, जो GK का पोर्शन था वो इतना टफ था कि इतने मार्क्स हाँ आ सकते हैं, जो इंटेलिजेंट मतलब जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा है तो वो 98 या 100 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन जो 112-12 नंबर आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ सोचने की बात है वो ये है कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम आप ले रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में 1 महीने में इंडिविजुअल स्कोर अपलोड करना चाहिए था, तो वो स्कोर अपलोड क्यों नहीं किया RPF ने, ठीक है। क्योंकि मैं तो इसके बारे में आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो RPF में है तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो चीज़ आपके मन में है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यूट्यूबर्स को गाली निकाल रहे हो उससे आपका कोई सेंस नहीं है कि आप लोगों ने इतनी कट ऑफ बताई थी, तो कट ऑफ जानी उतनी चाहिए थी, क्योंकि जिनके भी नंबर हाई थे 100 से उन्होंने कभी कमेंट में ये कहा ही नहीं कि सर 100 से ऊपर मार्क्स हमारे हैं, तो आंसर किए आने के बाद भी क्या उनको पता नहीं था कि अपने 100 से ऊपर मार्क्स हैं, या फिर एकदम से उनके मार्क्स 112 के समथिंग हो गए 120 में से, ठीक है। क्योंकि इतना इजी पेपर बने भी नहीं थे RPF के, हर शिफ्ट के आप कोई सी भी शिफ्ट उठा के देख लो कि आपके 112 तक नंबर बिल्कुल नहीं आ सकते। तो फिर एक चीज़ ये भी हो रही है कि जो रिजल्ट आया है वो नेम वाइज क्यों डाला है, पहले स्कोर कार्ड डालना चाहिए था, ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसमें रो मार्क्स पहले डालना चाहिए था, कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट वालों के हुआ है वो चीज़ डालनी चाहिए थी, ठीक है, ये होता क्लियर। लेकिन जो अभी रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जिस तरह से रिजल्ट अपलोड किया है उस तरह से तो साफ साफ यही चीज़ दिख रही है कि आपने जो फेल हुए हैं उनके भी मार्क्स नहीं डाले, जो पास हो गए उनके भी मार्क्स नहीं डाले, इसी तरह से आप जो फिजिकल और मेडिकल करवा रहे हो, ठीक है, तो उनमें जो सेलेक्ट होंगे आप तो उनके भी नाम ही डाल दोगे, क्या पता चलेगा कि कितने नंबर पे बंदा सेलेक्ट हुआ है और कितने नंबर पे
बाहर हुआ है, ठीक है। मतलब ये बात श्योर है कि हाँ हुआ है, कुछ बंदों के 83 पे भी हुआ है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो वो बहुत कम परसेंटेज में हुआ है, तो इनका भी श्योर नहीं है कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 83 वालों का, क्योंकि हाँ पास हो गए होंगे लेकिन इनका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो स्कैम हो रहा है उसके प्रति आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट के दो तीन सालों में जो ऑनलाइन एग्ज़ामों का जो सिस्टम बिगड़ चुका है हैकिंग का, मतलब किसी की एग्ज़ाम कौन कहाँ से देता है कुछ पता नहीं होता, सेंटर पे किस तरह से क्या करवाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये 2-3 सालों से इतनी करप्शन हो रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको एसएससी में दिखता था, ठीक है, क्योंकि एसएससी में सबसे पहले ये चीज़ होने लगी थी, पोस्टें बिकने लगी थी। मुझे भी पता है, मैं भी उस स्कैम में था इंक्लूड। इंक्लूड मतलब जब स्कैम हुआ था एसएससी सीजीएल, अभी 2017 वाला बचा हुआ है, उसमें मेरी भी मेन सटकी हुई थी। तो हम लोग भी वहाँ पे धरना दिया था, जहाँ पे दिल्ली का जो हेड क्वार्टर है एसएससी का, वहाँ पे हम लोगों ने 20-22 दिन दी थी, ठीक है। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? सीबीआई को केस थोप दिया, लेकिन सीबीआई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है। तो ये चीज़ अब होने क्यों लगी है? क्योंकि इनमें जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी सपोर्ट होता है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। लेकिन जो इन 3-4 सालों में जिस तरह से ऑनलाइन एग्जामों का कबाड़ा हो चुका है, ठीक है, उस तरह के से पहले बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि अगर पहले इस तरह से होता तो हम लोग तो फिर बन गए थे, क्योंकि मैं भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऑफलाइन पेपर थे, ठीक है। और एक चीज़ और था कि ये जो ऑनलाइन का हैकिंग का वाला सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर की, किसी और का एग्ज़ाम कोई और दे देता है, ठीक है, ये सब बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जो हो चुका है तो इनमें पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं उनका इंक्लूडेशन हो चुका है। इस कारण जो भी जितने भी अभी हो रहे हैं एग्ज़ाम, उनकी पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप सब इस चीज़ से सहमत हो तो आप कोई भी एक्शन लो। मतलब जो एसएससी, जिस तरह से एसएससी सीजीएल के लिए हुआ था, अगर आप उस तरह से करने के लिए तैयार हो तब तो ठीक है, वरना आप किसी को गालियाँ बिल्कुल मत निकालो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और यूट्यूबर हो। अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि चलो कोई नहीं, तो फिर आप अगली एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे एनटीपीसी की निकल गई है। या फिर आप अगर ऐसे सोचते हो कि हाँ ज़रूर स्कैम हुआ ही है, तो फिर आपको कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो एक चीज़ इसकी बिल्कुल शो हो रही है वो ये हो रही है कि जो रिक्वायरमेंट बोर्ड ने है, पहली बार रो मार्क्स भी अपलोड नहीं किए ना स्कोर कार्ड अपलोड किया, ठीक है। तो आप वो चीज़ आपकी जो मेन पॉइंट हो जाएगी कि जो आरपीएफ रिक्वायरमेंट बोर्ड ने है कि स्कोर कार्ड क्यों नहीं अपलोड किए, ठीक है। तो इसके साथ मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद। अपन इस टॉपिक पे अगले वाले वीडियो में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा खींच जाएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, और नर्वस होने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर इसमें नहीं हुआ तो अगली वाली वैकेंसी और आ रही है, ठीक है। आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी।